हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले आप सबको बता दीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निक्की बिल्कुल ठीक है, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चिंता ना कीजिए, जो जहाँ है बहुत परेशान है हमें लेके, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, सब लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे, बहुत ही ज़्यादा सब परेशान हैं। तो कि मतलब मम्मी की तबीयत कैसी है, सबको पता है। जितने लोग ब्लॉग्स शुरू से देखते हैं उन सबको पता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। और चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए या अच्छा खासा इंसान टूट जाए, ऐसा हुआ था। तो काफ़ी लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उन सब के लिए हमने सोचा कि जो भी थोड़ा बहुत है वो बता दें, क्या है, कैसे है, सबको ठीक है। और बाकी कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी जो हम लोग, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं आज। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को जो हमारी इस कठिन परिस्थिति में हमारे लिए कंसर्न थे, हमारे आंसुओं को, हमारे दुख को देख के हमारी तकलीफ समझ पाए, हमारे साथ वो भूखे रहे, हम नहीं सो पाए, तो कई लोग ऐसे थे जो कल रात सो नहीं पाए और हमें परेशान देखे, वो भी कल पूरा दिन परेशान रहे। तो आपके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जिस तरीके के लोग मैसेजेस कर रहे थे हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, फ़ोन कर कर के लोग हमसे, किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया, बस सिर्फ ये पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं। क्योंकि पर्सनल ज़िंदगी में शायद हमें जो लोग जानते हैं, फॉर दैट मैटर जो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, वो जानते हैं हम कैसे हैं। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये लगा कि यार अभी भी इंसानियत है लोगों के दिल में, सारा समाज वैसा ही नहीं है जो नेगेटिविटी फैलाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। और तो उस चीज़ के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने कल से लेके अब तक जो भी मेरे चाहे इनके कहाँ कहाँ फ़ोन करके वो सबसे पहले रो रहे हैं। ऐसे भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए जो शायद मैंने अपनी इस ज़िंदगी में उम्मीद नहीं किया था कि हाँ, उनके फ़ोन आएंगे। और जिनको हम सोचते थे कि उनसे कभी होगा नहीं ऐसा कुछ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका फ़ोन शायद है जिनसे बात कई सालों के बाद हुई होगी, तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो दो तीन चीज़ें थी जिसको कहने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, वरना डिस्टर्बेंस सिर्फ कल तक का था, ऐसा नहीं है। वो शायद डिस्टर्बेंस जाने में कुछ समय और लगेगा, लेकिन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एक तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं करके। तो हम सारे फ़ोन कॉल्स भी नहीं अटेंड कर पा रहे थे, सारे मैसेजेस के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को बता दिया जाए कि हम बिल्कुल ठीक है, ताकि आप लोग भी हमारे लिए और ज़्यादा परेशान ना हों। और पहली बात ये थी। दूसरी बात ये कि अभी अब देखा तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो कुछ चुनिंदा लोगों ने जो यूट्यूब पे पनपने की शायद कोशिश कर रहे हैं, फैलने की कोशिश कर रहे हैं, 200, 400, 500, 700, 1200 कुछ सब्सक्राइबर का उनका वो है, 700-600 कुछ व्यूज़ आ रहे हैं उनके वीडियो पे। उन्होंने एक नया मोर्चा सुमित के खिलाफ शुरू किया है और वो है डाउरी का, डाउरी यानी दहेज प्रथा का। कल 2 घंटे की वीडियो, इतनी क्लियर वीडियो थी, लेकिन शायद उस 2 घंटे की वीडियो में उनको दहेज प्रथा वाली ही चीज़ समझ में आई, उसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ में आया। तो मैं आपको पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि इस गंदगी में ना दोबारा अब मुझे मत घसीटिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बात को फिर से गलत तरीके से तोड़ने, मोड़ने और उसको एक गलत रूप देने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। भगवान से डरिए उस चीज़ के लिए। उसको और जस्टिफाई करने के लिए, उसको और सपोर्ट करने के लिए मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा लगा कि हम डाउरी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम दहेज प्रथा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप मेरे भाई के तिलक के फंक्शन का वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहिए वो देखिए। आप मेरे तिलक का भी फंक्शन का जो वीडियो है वो भी आप जाके वहाँ देखिए।
आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी जब शादी हुई थी, मेरा जब तिलक होने वाला था, तो हमारे यहाँ ये सब आम बात है, और हमारे यहाँ नहीं, बहुत अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कल्चर में ये सब आम बात है। लोग अपनी बेटी को अपनी शादी से, अपनी खुशी में, जिसके पास जितना जुटता है वो देता है। फिर वो चाहे कपड़ों की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, फर्नीचर की बात हो, या और कोई ऐसी बात हो। तो मेरा जब शादी हो रही थी, तो मेरे ससुराल से कहा गया था, क्योंकि निक्की भी पहली बेटी थी, बहुत शौक था निक्की के घर वालों का भी, निक्की के रिलेटिव्स का भी, कि उसी तरीके से सामान दिया जाए और तिलक बहुत अच्छे से चढ़ाया जाए एंड ऑल। तो आज जो हम पर ये तिलक और डाउरी का जो लालच का आरोप लगाया जा रहा है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको अभी पता नहीं है। मेरे माँ बाप वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने निक्की के पापा को कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप तिलक लेके आइए, अपने मेहमानों के साथ आइए, और राजी खुशी से आइए, राजी खुशी से जाइए। तो आप वो वीडियो में जाके भी देख सकते हैं मेरा तिलक का फंक्शन कैसे क्या हुआ है, एंड उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या सही में हम डाउरी के लालची लोग हैं एंड ऑल। और इसी से जुड़ी हुई एक लास्ट बात मैं और कहूँगा कि किसी के ऊपर भी एलिगेशन, किसी के ऊपर भी, पर्सनल लाइफ में, सोशल मीडिया पर, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाने से पहले इतना ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ कर्मा सबके साथ एप्लीकेबल होता है। आप किसी पे एलिगेशन लगाएंगे, आपके ऊपर कहीं से एलिगेशन लगेगा। आप किसी को परेशान करेंगे, आप कहीं से परेशान होंगे। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं से अच्छा होगा। तो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिलीव करता हूँ, और मैं अपना कर्म उस हिसाब से ही लेकर आगे चलता हूँ। आप भी उस चीज़ को ही फॉलो कीजिए, और आगे उस तरीके से आ जाओ रवीना। तो इसलिए प्लीज़ 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 मत कीजिए। एंड इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कमेंट क्यों ऑफ कर दिया। बिल्कुल हमने ऑफ़ किया है कमेंट, जानबूझकर ऑफ़ किया है, कोई गलती से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कमेंट ऑफ़ नहीं हुआ है। और कमेंट क्यों ऑफ हुआ है, उसके पीछे दो तीन रीजंस थे। पहला रीज़न ये था, पहला कमेंट ऑफ करने का, एक मैं पहले अपना कुछ बोलूँगी। जैसे मैंने वीडियो लाइव किया, कुछ सेकंड्स हुए थे, सेकंड्स, मिनट भी नहीं, मैं बोलूँगी सेकंड्स हुए थे, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अच्छा है, नया कुछ आया है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं देखने के लिए। वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत बहुत अंदर से ऐसा लगा था कि हम किसी के, हमारे चीज़ें किसी के लिए ऐसी हो गई हैं, वो भी देख कि वो अपना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके हमारी वीडियो देखने के लिए, उनको सोचो कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ में। वो हमारी इस टाइम फीलिंग नहीं समझ रहे हैं कि हमारी फैमिली के ऊपर इस टाइम क्या बीत रहा है। क्योंकि एक होता है ना इंसान कि चलो ठीक है, इसी में चल रहा होता है, लेकिन जब एक सामाजिक इंसान होता है, सब चीज़ों के बारे में करने का, क्योंकि मुझे पता है इस समय लोगों का जो दिमाग है वो दूसरी डायरेक्शन में है, और फिर लोग लगेंगे इस सब चीज़ों को लेके बहुत कुछ उल्टा सीधा कहना। लेकिन एक निकी ने कहा, दूसरा मैं कहूँगा कि वीडियो वो अपलोड हुए कुछ 20-25-30 सेकेंड ही हुए थे, और उस पर आई थिंक 8 कमेंट्स आ चुके थे। तो इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 घंटे का वीडियो 20-25 सेकेंड हुआ है अपलोड हुए, किसी ने भी वो पूरा वीडियो तो देखा नहीं होगा। और जब नेगेटिव कमेंट कोई करता था या हमारे अगेंस्ट कोई कुछ कहता था, तो हमें लगता था, हम अपने वीडियोस में हमेशा देखने की कोशिश करते थे कि यार एक बार वीडियो देखा जाए कि इस वीडियो पे लोग इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, इसमें ऐसा क्या गलत दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या नेगेटिव दिख रहा है जिसकी वजह से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कल जब वो चीज़, वो फैक्ट हमने नोटिस किया, वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन नोटिस हमने कल किया। तो मैं निक्की को फिर ये कहने लगा कि निक्की ये देखो, ये है शायद सच्चाई कि इन 8 लोगों ने डेफिनेटली पूरा वीडियो तो देखा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। 2 घंटे में 25-30 सेकंड में आपने क्या देख लिया होगा, लेकिन इन 8 लोगों ने वीडियो देख के हमारे बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये हमें नेगेटिव कॉमेंट कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी नेगेटिव परसेप्शन हमारे बारे में यहाँ बना चुके हैं। वो हमारी वीडियो देखे ना देखे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना लिया है दिमाग में। आप
उनको कहीं भी दिखेंगे, आप अपना ब्लॉग लाके कुछ कहेंगे, आप उनको उस तरीके की सोच किसी और के ब्लॉग में, किसी और के कमेंट में दिखेगी, वो हमारे बारे में गंद बोलेंगे, गलत बोलेंगे। तो इसलिए हमने कहा, हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, अभद्र गंदी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन इंसान सबकी अपनी अपनी फितरत होती है, अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, और इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता है कभी। तो इसलिए वो दोबारा हम उम्मीद किसी से रख भी नहीं रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि बेहतर है हम अपने कमेंट ऑफ करें। और ये सिर्फ कल की वीडियो में ही कमेंट ऑफ नहीं था, आज की भी इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कमेंट ऑफ है, और आने वाली निक्की की कई वीडियोज़ में भी लंबे समय तक, कब तक ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन 6 महीना साल भर, वो समय के हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन आने वाले कई समय तक निक्की के वीडियोस के कमेंट्स ऑफ रहने वाले हैं। ऑफ रहने का डिसीजन हमने इसलिए भी लिया, अगर कुछ लोग अब इसमें ज़रूर ये सोचेंगे क्यों डर गए और नेगेटिव कमेंट करने वाले से डर गए, गलत थे, मैं हाँ जोड़ के कहता हूँ हम आपसे डर, जेनुअली हम आपसे डर गए, क्योंकि कल जिस तरीके के जाल में हमें फंसाया गया, उसके बाद हमसे जुड़े हुए लोग जितना परेशान हुए, हम तो परेशान थे लेकिन हमसे जुड़े हुए जो लोग इतना परेशान हुए ना, उसको लेके हम बहुत अंदर से दुखी हैं, और हम भगवान से बस यही उम्मीद करते हैं कि कल जैसा दिन दोबारा कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए, और उस इसीलिए ये कमेंट ऑफ करने का भी डिसीजन लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पीछे की कुछ चीज़ों को दोबारा से देखा गया, पलट के देखा गया, मुड़ कर देखा गया, तो मैंने ये देखा कि यार ठीक है, कंट्रोवर्सी थी, मैं उसका सिर्फ और सिर्फ ब्लेम अगर मैं आज की डेट में कहूँ कि नेगेटिव कमेंट करने वाले थे, तो वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन गंदगी फैलाने में, नेगेटिविटी फैलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया, और मुझ कहीं ना कहीं जो वो एक दूसरे को मतलब वो वीडियो पे वीडियो, कमेंट पे कमेंट, इस तरीके की जो चीज़ें और बढ़ी, वो इस तरीके के कमेंट्स करने से ही बढ़ने लगी, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप किसी के वीडियो पे जाके कहीं कमेंट कर देते हैं तो वो वहाँ रहता है कुछ समय तक, और उसको फिर लोग बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, इंटरेस्ट जगाते हैं, उससे मिलता जुलता कोई और पॉजिटिव कमेंट करेगा, कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, कोई उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, कोई उसको उसका विरोध करेगा एंड ऑल, और इस तरीके से वो बात और बढ़ती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट वीडियो के कंटेंट को छोड़ के वो कमेंटबाजी पढ़ने में, उसको सपोर्ट करने में, उसको अनसपोर्ट करने में, उन सब में चला जाता है, जिसका शिकार हम बने और शायद और भी बहुत सारे लोग बने। इसलिए भी हमने ये डिसीजन लिया कि आने वाले कुछ समय तक हम अपने कमेंट्स बिल्कुल ऑफ रखेंगे। एंड लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितने भी हमारे शुभचिंतक थे, आप इस कठिन परिस्थिति में कल हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहे, एंड आपके सपोर्ट ने हमें बहुत मोटिवेट किया, तभी शायद आज हम इतनी जल्दी आप सबके सामने दोबारा अपनी बात रखने आ पाए हैं। एंड आपसे बस यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से देते रहेंगे, इसको और आगे लेकर जाने में हमें मदद करेंगे। एंड यूट्यूब जो ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है आप सबके सपोर्ट ने, आप सबके प्यार ने, इसको कैसे किस बेहतरी से हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसके सुझाव भी हम आप लोगों से ज़रूर चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं एंड लेकिन आपसे भी हम सुझाव चाहेंगे इस बारे में, तो उस बारे में भी आप सब हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट तो ऑफ रहेगा तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको कुछ कहना है तो आप किन से, वरना मैं ये वीडियो एंड कर सकते हैं। जो लोगों ने इंस्टा पे हमें सपोर्ट दिखाया, कमेंट तो हमने ऑफ कर दिया था, लेकिन इंस्टा पे आप जाके मेरी स्टोरीज चेक करना, मैं उसके स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रही हूँ, इतना अच्छा लगा वो देख के कि मतलब ऐसे पॉजिटिव लोग हैं इस दुनिया में जिनको बस क्या बोलूँ कि उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इतनी उनको फिक्र हुई मेरी कि बस क्या ही बोलूँ, इतने लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे थे। कल रात को मतलब इतनी हैरानी, हम सो ही नहीं पाए रात में, 2-3 बजे तक हमारे पास फोन आ रहे थे रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, और दूसरे यूट्यूबर्स के, और दूसरे क्रिएटर्स के, कोई हमें अपने घर बुला रहा था, कोई हमें कह रहा था आप उस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलिए आपको बेहतर फील होगा, किसी ने हमसे पूछा कि मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछी, किसी ने भी
इस चीज़ की बहुत खुशी भी हुई कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि उस वीडियो में जो आपने कहा वो गलत उसका क्या मतलब था, वो गलत था, आपको इस चीज़ को ऐसे नहीं और ऐसे कह देना चाहिए था। तो खुशी उसमें ये थी कि लोगों को कहीं ना कहीं जो एक मुझे था पता, लेकिन कल वो बात और पुख्ता हो गई कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि लोग मुझे पर्सनल ज़िंदगी में, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, निक्की कैसी है, मेरे माँ बाप कैसे हैं, ये परिवार कैसा है। तो किसी ने भी हमसे उन वीडियो के बारे में, उस वीडियो में, उन वीडियोज़ में मैं कहूँगा जो भी आरोप प्रत्यारोप हुए, उस सबसे बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब को ऑलरेडी बहुत कुछ पता था, या सब कुछ पता था मैं कहूँगा। सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न था, एक ही सवाल था कि आप लोग कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, आंटी जी कैसी हैं, मम्मी कैसी है मेरी एंड ऑल। वैसे तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा कि यार तमाशा तो बहुत हुआ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मेरे आज जिनको मैं अपना मानता था, वो अपने की तरह ही कल इस कठिन परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे मैं कहूँगा। उससे जाके संतोष हुआ कि हाँ, हमने शायद जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज उन लोगों का साथ और सपोर्ट और प्यार और कंसर्न, चिंता जो थी हमारे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस किस का फ़ोन कल आया होगा हमारे पास, कल से लेके आज तक, अभी तक हमारे पास किस किस का फ़ोन आ चुका होगा, किस किस के मैसेजेस आ चुके होंगे, जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनके आ चुके होंगे। कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जिनसे शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जन्म में कभी मेरी उनसे दोबारा बात हो पाएगी, उन लोगों तक का फ़ोन आया, वो रो रहे थे, अपना कंसर्न जता रहे थे, सबका एक ही कहना था कि इस परिवार को हम ऐसे नहीं देख सकते, इस परिवार को हम ऐसे नहीं बिखरता हुआ नहीं देख सकते। ये एक रोल मॉडल था हमारे लिए, ये फैमिली को हम हमेशा देखते थे, हमने बहुत कुछ इस फैमिली से सीखा है, तो इस परिवार को हम ऐसे नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे शायद सालों तक बात नहीं हुई थी, उनका कल फ़ोन आता है एंड उन सबसे बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी सच्चाई सामने आई कि वो लोग हमें ऐसा लगता था कि शायद नहीं जुड़े होंगे, लेकिन ये YouTube का प्लेटफॉर्म शायद आज इतना बड़ा हो चुका है कि वो लोग भी डायरेक्टली हमसे बात नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन वीडियोस के थ्रू, इन ब्लॉग्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए थे। और डिस्पाइट दिस कि उनकी हमसे रेगुलर बात नहीं होती थी या किसी से हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया था, उसके बावजूद उन लोगों ने कल हमें देखा कि हम एक कठिन परिस्थिति में हैं, एक मुश्किल समय हमारा चल रहा है, तो उसमें उन्होंने हमें फ़ोन करके अपनी चिंता जाहिर की। उसके लिए हम दिल से आप सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड आपको मैं एक चीज़ और कहूँ, जब भी कभी ऐसा होता था ना किसी और इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसी चीज़ें होती थी, तो ये मैं घंटों उनसे फ़ोन पे बात करके, घंटों उनसे बोल के समझाते थे कि YouTube प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होना चाहिए, YouTube प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं करना। और कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा परिवार इस तरीके से YouTube प्लेटफॉर्म पे आके ये सारी चीज़ें हमारे साथ होगी, हम करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कभी, मतलब इस तरीके से हमारी फैमिली का यहाँ पे जो भी हो जैसे हो, लेकिन ठीक है, वक्त ख़राब था, कल का दिन बहुत ख़राब था, जो भी था ठीक है। अब बस हम लोग आपसे यही प्रॉमिस करते हैं और यही वो करते हैं कि आगे शायद ऐसी चीज़ कभी भी नहीं आएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये ऐसा निकी का कहना था, मैं अपने शब्द इस मामले में अभी बिल्कुल रिजर्व रखता हूँ, क्योंकि मैंने गलत चीज़ सहना कभी नहीं सीखा अपनी ज़िंदगी में, तो शायद आगे भी मैं ना सहूँ। बाकी परिवार की इज्जत बना के लेकर आया हूँ, आगे भी मेरी वो कोशिश जारी रहेगी। और इसके साथ ही अब, क्योंकि आप सबको पता है, एक अच्छी बात करते हैं लास्ट में, होली का फेस्टिवल आ रहा है एंड आप सब हमारी वजह से बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, हम भी बहुत दुखी थे, परेशान थे, अभी भी हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं हम बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं या क्योंकि वो कुछ ऐसा हुआ जो मैंने या हमने कभी नहीं सोचा था कि होगा, जैसा विनकी ने कहा। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है हमारी पर्सनल ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये सेलिब्रेशन हम बहुत अच्छे से करें। एंड वही उम्मीद हम आप सबसे भी करते हैं कि जो भी हुआ उसको आप भी भूल जाइए, हम भी भूल चुके हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और होली बहुत अच्छे से मनाइए अपने परिवार के साथ, बहुत खुशहाली के साथ मनाइए, हम भी अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाली से अपना होली का फेस्टिवल मनाएंगे, कोशिश करेंगे, उसकी सारी तैयारियां करें बहुत अच्छे से। और जिस तरीके से आपको हमारी फेस्टिवल्स की और हमारी
पार्टीज़ के और हमारे गेट टुगेदर के गैदरिंग के ब्लॉग सबको अच्छे लगते थे, वो सब चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लास्ट में बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि प्लीज़ यहाँ का चीज़ देख के कहीं और चैनल पे कमेंटबाजी, कहीं और की चीज़ देख के यहाँ तो आप कमेंटबाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कमेंट ऑफ रहने वाले हैं कुछ समय तक, उसको मत कीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप किसी के लिए बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रहते हो, आपको सब कुछ नहीं देख सकते हो, तो प्लीज़ मत बोलिए। नहीं अच्छा बोलना है तो बुरा भी मत बोलिए किसी को भी। और जो भी इन्होंने जो भी रिएक्शन चैनल्स बना रखे हैं उनको मैं लास्ट बार फिर से बोल रही हूँ, ना ही आपके लिए कोई धमकी है और ना ही आपके लिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को कंटेंट लेके आने के लिए, आप किसी के परिवार के बारे में कुछ भी अनाप शनाप ना करिए, क्योंकि आप भी ऐसे इंसान हैं जो हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ मत करिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना कर्मा पे ध्यान दीजिए। हाँ, और अपना आपको कंटेंट लाना है वो करिए, क्योंकि ये अगर अभी मैंने सबके पास देखा है, आप सबको पता है कि मेरे पास पूरा राइट है कि आपने मेरा नाम मेरी फ़ोटो यूज़ किया है तो मैं आराम से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लीगल भी जा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इस टाइम उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ने का मेरा जो ना मेंटली इतना अंदर से है, ना मेरे शरीर में इतनी जान है कि मैं वो सब चीज़ें करूं। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, अपने लिए अच्छा वीडियो नहीं बना सकते, तो किसी के लिए बुरा वीडियो भी मत बनाइए, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।